डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है एलिगोरी। तो दोस्तों एलिगोरी शब्द मैंने आपको तब भी बताया था जब हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एलिगोरी होता क्या है? देखिए, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी जिसका कोई रूप ना हो, जैसे कि लालच, गुस्सा, आज़ादी आदि, इस तरह के आइडियाज़ को जब हम किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा दर्शाने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इसको एलिगोरी कहते हैं। बेसिकली किसी भी एलिगोरिकल स्टोरी के दो मीनिंग होते हैं, एक तो उसका लिटरल मीनिंग होता है और दूसरा उसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है। जैसे आपने कोर्ट कचहरी में एक लेडी देखी होगी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में उसके तराजू होता है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हर कोई लॉ के सामने बराबर है। तो एक तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया जो आपको दिख रहा है, और एक उसका सिंबॉलिक मीनिंग हो गया कि कानून अंधा होता है, उसके सामने सभी लोग बराबर होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में। अब अगर कोई रूलर होता है तो उसको पोर्ट्रेट के द्वारा दर्शाया जा सकता है या उसका स्टैचू बनाया जा सकता है, लेकिन किसी राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाए? किसी राष्ट्र का कोई रूलर तो होता नहीं है, वहाँ के रूलर तो वहाँ के लोग हैं, तो फिर किसी राष्ट्र को कैसे कोई चेहरा दिया जाए? और अगर चेहरा नहीं दिया जाएगा तो फिर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई कैसे जाए? देखिए, जब भी हम किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं तो हमारे दिमाग में उस चीज़ की एक इमेज बन जाती है, या हम अगर किसी व्यक्ति को चाहते हैं तो उसकी भी हमारे मन में एक इमेज बन जाती है जो हमें उससे कनेक्ट करने का काम करती है। तो इसी तरह आर्टिस्ट्स के सामने उस समय ये एक प्रॉब्लम थी कि अगर हमें राष्ट्रभक्ति की भावनाएं लोगों में जगानी है तो फिर हमें राष्ट्र को एक चेहरा भी देना होगा। तो आर्टिस्ट जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के थे, उन्होंने एक तरीका अपनाया और उन्होंने क्या किया कि नेशन को पर्सोनिफाई कर दिया, यानी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में नेशन को या राष्ट्र को इस तरह से दर्शाना शुरू कर दिया जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो, यानी राष्ट्र को व्यक्ति की तरह दर्शाना। जनरली राष्ट्र को जो दर्शाया जाता था वो फीमेल फिगर्स की तरह दर्शाया जाता था, एक औरत की तरह दर्शाया जाता था। अभी जो औरत होती थी एक्चुअली में जो किसी राष्ट्र को पर्सोनिफाई करती थी वो किसी रियल पर्टिकुलर वुमेन के लिए नहीं होती थी, यानी एक्चुअली में ऐसी कोई रियल में औरत नहीं होती थी, लेकिन ये जो राष्ट्र का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, क्योंकि राष्ट्र का कोई आकार तो है नहीं, कोई रूप तो है नहीं, उसको एक कॉन्क्रीट शक्ल दे दी थी, यानी जिससे कि लोग राष्ट्र से कनेक्ट हो पाए, जिससे कि उनमें देशभक्ति की भावना जग पाए। तो ये जो फीमेल फिगर होती थी ये उस राष्ट्र की एलिगोरी बन जाती थी, जो वो राष्ट्र जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको एक कॉन्क्रीट आइडिया में बदल देती थी। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आर्टिस्ट थे उन्होंने भी फीमेल एलिगोरी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जस्टिस, लिबर्टी और रिपब्लिक जैसे आइडियाज़ को फैलाने में। अगर आपको याद हो तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जो लिबर्टी में वुमेन, वहाँ पर भी लिबर्टी के आइडिया को एक वुमेन के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये जो आइडियल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, इनको अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स द्वारा दर्शाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, जैसे कि लिबर्टी। तो लिबर्टी, ब्रोकन चेन्स जो है वो लिबर्टी को दर्शाती है, आज़ादी को दर्शाती है। चेन्स जनरली स्लेव्स को बांधने के लिए यूज़ की जाती थी और ब्रोकन चेन का मतलब है कि आज़ाद होना। इसी तरह से रेड फ्रीगियन कैप, ये भी जो है वो स्लेव्स पहनते थे जो आज़ाद हो जाते थे, तो जब भी कोई गुलाम आज़ाद हो जाता था वो ये लाल टोपी पहन लेता था। फिर एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जिसने हाथ में तराजू लिया हो, तो ये जो है ये जस्टिस या न्याय का सिंबल है और ये बात दर्शाता है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर होते हैं, क्योंकि कानून अंधा होता है, वो अमीर गरीब छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं करता। दोस्तों अब बात करते हैं फीमेल एलिगोरी ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस की जो एलिगोरी थी। तो फ्रांस की एलिगोरी थी मरियन। फ्रांस में एक फीमेल एलिगोरी रखी गई जिसका नाम मरियन था, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नाम है, और ये जो मरियन नाम है ये फिर एक लोगों के देश के आइडिया को अंडरलाइन करता था। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो लिबर्टी और रिपब्लिक से ली गई, जैसे कि रेड कैप और ट्राई कलर और कॉकेट, तो बालों में एक रिबन होता है तो उसको कॉकेट कहते हैं।
मरियम के जो स्टैचूज हैं वो अलग अलग पब्लिक स्क्वायर्स पर लगाए गए, जिससे पब्लिक को एक यूनिटी की नेशनल सिंबल के रूप में जोड़ा जा सके। मरियम को देखकर उन्हें याद आता कि हाँ, हम सभी लोग फ्रेंच हैं और हम सबको मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। तो साथ ही साथ वो अपने आप को एक फ्रेंच के रूप में देख सकते और अपने देश से अपने आप को कनेक्ट कर सकते थे। तो इसीलिए मरियम की इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी लगाई गई और स्टैचूज जो है उसके जगह जगह पब्लिक स्क्वायर्स पर लगा दिए गए। इसके बाद आती है जर्मेनिया। जर्मेनिया जो है वो जर्मन नेशन की एलिगोरी बनी। जर्मेनिया जो है उस समय जर्मनी जो है वो एक प्रॉपर देश के रूप में नहीं था, बल्कि छोटे छोटे स्टेट्स के रूप में था। तो जो जर्मेनिया जो है वो उन लिबरल नेशनलिस्ट्स की नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को दर्शाती हैं, जो उन जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करके एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जर्मनी बनाना चाहते थे। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में अगर आप जर्मेनिया को देखें तो उसके सिर पर ओक की पत्तियों का एक क्राउन होता है और जो जो जर्मन ओक होती है ये हीरोइज्म को दर्शाती है। दोस्तों ये फिगर आपने, ये फोटो आपने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट में भी देखी थी और ये यहाँ पर जर्मेनिया है जो कि जर्मनी के इस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखते हैं जर्मेनिया से जुड़े हुए तो ब्रोकन चेन्स जो है वो आजादी का सिंबल है। फिर जर्मेनिया ने अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक ब्रेस्ट प्लेट पहनी हुई है जिस पर ईगल बनी हुई है। तो ये ब्रेस्ट प्लेट क्या दर्शाती है? दर्शाती है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ। फिर ओक की पत्तियों का एक ताज है, ये हीरोइज्म को दर्शाता है। उनके पास एक तलवार है, ये दिखाते हैं कि हमेशा वह लड़ने को तैयार है, अगर लड़ने की जरूरत है तो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इस तलवार के चारों ओर ओलिव की एक ब्रांच लगी हुई है, यानी अगर शांति बहाल करने की जरूरत है, पीस की जरूरत है, तो उसमें भी जर्मेनिया पीछे नहीं है, जर्मनी पीछे नहीं है। फिर ब्लैक रेड और गोल्ड ट्राइकलर, ये 1848 के लिबरल नेशनलिस्ट्स का फ्लैग था जो कि जर्मन स्टेट्स के ड्यूक्स ने फिर बाद में बैन कर दिया था। और उगते सूरज की किरण, ये एक नए एरा का, नए युग का आगमन को दर्शाने का प्रतीक है। तो ये सारे प्रतीक आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ये फिगर देखेंगे तो इसमें जर्मेनिया गिरी हुई है। ये पेंटिंग जूलियस हबनर ने 1850 में बनाई थी। यहाँ पर जर्मेनिया इसलिए गिरी हुई है क्योंकि जो प्रशिया के राजा हैं उन्होंने जब उनको एक क्राउन ऑफर किया गया था तो उन्होंने इसको ठुकरा दिया। तो इससे जो लिबरल नेशनलिस्ट्स के सारे एक यूनिफाइड जर्मनी को देखने के होप थे वो टूट गए। तो इसीलिए यहाँ पर ये जर्मेनिया जो है ये गिरी हुई दिखाई हुई है और आज और उसके सिंबल्स हैं राजशाही की, ये सब यहाँ पर कोने में पड़े हुए हैं। फिर एक अगली फिगर दिखाती है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। तो राइन जर्मनी का ही एक पार्ट था। तो 1860 में आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेसन ने ये इमेज बनाई थी और इसमें जो जर्मन स्वॉर्ड है उस पर लिखा है द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। बेसिकली ये पेंटिंग फ्रेंच लोगों को चेतावनी देने के लिए बनाई गई थी जिनकी राइन पर नज़र थी। उनको ये चेतावनी दी गई थी कि जर्मेनिया जो है वो राइन को बचा सकती है, इसलिए राइन पर अपनी नज़र ना गड़ाएं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी की एलिगोरी की बात तो कर ली, लेकिन हम अपने देश की एलिगोरी को कैसे भूल सकते हैं? तो इसलिए अब बात करते हैं भारत माता की भी। तो स्वदेशी आंदोलन हमारे देश में जब चल रहा था उससे आइडियल लेकर उससे अभिन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई भारत माता की 1905 में, ठीक है। तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई 1905 में और इस पेंटिंग में भारत माता को एक साधु फिगर की तरह दिखाया गया था। वो बहुत ही ज़्यादा शांत थी, डिवाइन थी और स्पिरिचुअल थी, जैसे किसी देवी के रूप में। लेकिन बाद में जो इमेज है भारत माता की वो उसमें काफ़ी चेंजेस आए, जैसे जैसे वो पॉपुलर प्रिंट्स में सर्कुलेट हुई और अलग अलग आर्टिस्ट ने भारत माता की पिक्चर बनाई, वैसे वैसे उसमें काफ़ी चेंजेस देखे जाने लगे। और इस मदर फिगर के प्रति डिवोशन ही एक व्यक्ति की नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का आधार माना जाने लगा या एविडेंस माना जाने लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले फिगर में भारत माता को किस रूप में दिखाया गया है और दूसरी फिगर में भारत माता को एक शेर और हाथी के साथ दिखाया गया है।
उनके हाथ में त्रिशूल है और जिस पर तिरंगा लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो भारत माता है वो शक्ति का प्रतीक है। बेसिकली जैसे जैसे हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा, वैसे वैसे हमने यहाँ पर भारत माता को शक्ति का रूप दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे और हमें दिखा रहे थे कि भारत माता में अपनी आजादी के लिए पावर है और अंग्रेजों को भगाने की हिम्मत है। तो ये दोनों जो इमेजेस हैं ये हमारे इस चीज को दर्शाती हैं कि किस तरह से हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो एक नॉर्मल आंदोलन होने से, एक शांत आंदोलन होने से धीरे धीरे किस तरह से वो उग्र होता चला गया और अंत में हमने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया।